पाकिस्तान में आज 80% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो टू व्हीलर्स या मोटरसाइकिल सवार के हैं। इसी स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए यूनिलीवर ने इस बात का फैसला किया कि हमारे जो 6000 इंडिविजुअल्स हैं उनको फॉर्मल ट्रेनिंग्स दी जाए, बाइक पर किस तरह से बैठा जाता है, सेफ राइडिंग कैसे की जाती है। इसके बाद सवाल आया रिएक्टिव मॉडलिंग हमारी क्या होगी। तो हेलमेट्स सबसे पहले दिमाग में आए कि एक ऐसे हेलमेट्स दिए जाएं जिससे खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो उनकी जान बच सके। मार्केट से कई हेलमेट्स उठाए गए बट सवाल ये उठा कि आया कि ये किसी स्टैंडर्ड्स पर बने हैं भी या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसी लैब ना मिल सकी जहां पे ये हेलमेट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर टेस्ट किया जा सके। तो यूनिलीवर ADCR और IST के इशराक से एक ऐसी लैब बनाई जहां पर इन हेलमेट्स को टेस्ट किया जा सकता था। जब हमने मार्केट के कुछ सैंपल्स उठा के वहां पे टेस्ट किए तो जो हमारा शक था वो यकीन में बदला कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी हेलमेट आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर रहा। तो यूनिलीवर ने इस बात का फैसला किया कि आइए हम मिल के एक ऐसा हेलमेट बनाते हैं जो कि हमारी मार्केट्स के हिसाब से ना सिर्फ कंपेटिटिव हो बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहा हो। 2 साल के तवील अरसे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हेलमेट बनाया जो प्रोड्यूस्ड एंड सोर्स्ड लोकली था। इसका सारा मकसद ये है कि हम अपने लोगों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं कि वो अपने घर से खुशी खुशी अपने काम पे आए और उसी खुशी के साथ वापस अपने घर भी पहुंचे। यूनिलीवर फॉर पाकिस्तान, थैंक यू।